फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी में डिजी बाय डॉक्टर रूपाली। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो आज हम नया ग्रुप जो पढ़ने वाले हैं उस ग्रुप का नाम है इंसेक्टा, और पूरी की पूरी एनिमल किंगडम का जो अभी तक का सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है वो है क्लास इंसेक्टा। और ये ऐसे स्पीशीज हैं विच आर अनअवॉइडेबल बाय ह्यूमंस एंड बाय अदर एनिमल्स ऑल्सो। हमारे आसपास की शायद ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हमें इंसेक्ट्स जो हैं वो देखने के लिए नहीं मिलते। राइट फ्रॉम आवर किचन्स टू आवर गार्डन्स, हर जगह वी आर बीइंग सराउंडेड बाय द इंसेक्ट्स। दे आर हैविंग अ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन अलॉन्ग विथ सिक्स लेग्स, टू एंटीना और वन और टू पेयर ऑफ विंग्स। And these are the group of animals in which is the largest in terms of their number of species. ठीक है, इनकी जो लेंथ है वो ranges from 1 millimeter to 20 centimeter, and this is the dominant group of animals on the earth today. अगर हम if we talk about the life on earth, modern humans को इस अर्थ पे आए हुए कम से कम भी 2 लाख साल हो चुके हैं, लेकिन इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स आर नोन टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो। इनफैक्ट कुछ ऐसे फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स हमारे पास मिले हैं जो ये बताते हैं कि कुछ स्पीशीज़ इंसेक्ट्स के उस टाइम पर भी थे जब डाइनासोर्स एक्चुअली इस अर्थ पे अपियर हुए थे। और द एडल्ट इंसेक्ट्स दे कैन परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉकिंग, फ्लाइंग और इवन स्विमिंग। और इंसानों का हमेशा से ही एक बहुत ही ज़्यादा रुझाव जो है इंसेक्ट्स की तरफ रहा हुआ है, इसीलिए ऐसे स्पीशीज़ को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, हार्मफुल और बेनिफिशियल स्पीशीज़ में। अब इंसेक्ट्स अगर इतना ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, इतनी सालों से धरती पर अगर वो प्रिवेल कर रहे हैं, और उनमें से सबसे बड़ा फीचर है उनके स्मॉल साइज। राइट, दे आर हैविंग अ टिपिकल स्मॉलर साइज बॉडी विच इज़ द वन ऑफ द यू नो यूनिक फीचर्स ऑफ द इंसेक्ट। नेक्स्ट फीचर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द क्यूटिकल विच इज़ अ कम्प्लीटली वाटर प्रूफ लेयर। और ये जो क्यूटिकल है ये इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में बहुत सारे यू नो रोल्स प्ले करती है। इंसेक्ट को हार्श कंडीशन से बचाती है, उनकी लाइफ साइकिल का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो क्यूटिकल से जुड़ा हुआ है। Then, no other animal on this earth can actually take oxygen from the air with so little quantities accompanying water loss. और इंसेक्ट्स जो हैं दे आर ऑल द स्मॉलेस्ट फ्लाइंग एनिमल्स। अगर फ्लाइट की बात करें तो हमेशा हमारे दिमाग में बर्ड्स आते हैं, लेकिन इंसेक्ट एक ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं विच आर हैविंग द प्रॉपर्टी टू फ्लाई। राइट, और विंग्स की जो बात है, दीज विंग्स आर एक्चुअली द पेयर्ड एक्सटेंशन ऑफ द क्यूटिकल। तो अगेन वी आर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूटिकल हेयर। दूसरा जो इनके लाइफ साइकिल से बहुत बड़ी बात जो जुड़ी हुई है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। और इंसेक्ट्स में ये 2 तरह के पाए जाते हैं, ग्रेजुअल, कंप्लीट, कई बुक्स में आपको सिंपल भी मिलेगा, और ये हम इस लेक्चर में आगे डिस्कस करने वाले हैं। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिविजिबल इंटू 3 मेजर पार्ट, द हेड, थोरेक्स एंड द एब्डोमेन। द हेड बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, हियर यू कैन सी these are the pair of the compound eyes. The paired segmental appendages are 1 pair of antenna, right? There we are finding the 1 pair of antenna. The thoracic segments, they bear a pair of legs, and typically there is a pair of wing on each of the 2 posterior segments. Right, so here we can see the 1 or 2 pair of wing. The frontal wings are the 4 wings, and the hind wing, it is the second pair of wing. Then the abdominal segments are of 9 to 10 in number with no appendages, and they actually bears the gonopores, and the gut, it opens at the posterior tip. Excretion, which includes the water regulation, it is carried out by the structures like Malpighian tubules. Respiratory gases are transported between the outside air and every cell of the body by the trachea.
and the open outside with the help of minute spore like bodies which are known as spiracles. So this is the basic insect body plan. अभी हम देखते हैं व्हाट आर द मेजर ऑर्डर्स. ये मैंने थोड़े से ऑर्डर्स को समराइज किया है. दीज आर द मेजर ऑर्डर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. द कोलियोप्टेरा इज द ऑर्डर विच इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स लाइक बीटल्स, राइट. और इन बीटल्स में वी आर फाइंडिंग टू पेयर्स ऑफ विंग. एक फ्रंट विंग होगा और एक हाइंड विंग रहेगा. फ्रंट विंग इज क्वाइट हार्डर विच इज़ प्रोटेक्टिंग द रेयर वन, राइट. जो हाइंड विंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर हैविंग द फ्रंट. एंड दीज आर द आर्मर्ड स्पीशीज जिनका जो एक स्केलेटन है एक्सोस्केलेटन बहुत ही हार्ड होगा. एंड दीज आर एक्चुअली कंसिडर टू बी द आर्मर्ड स्पीशीज. इनमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग और चुइंग टाइप के हैं. एंड दे ऑल्सो शो कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. और अगर क्लास इंसेक्टा की बात करें तो क्लास इंसेक्टा का सबसे डाइवर्स ग्रुप इज कोलियोप्टेरा. और इनमें द नंबर ऑफ द स्पीशीज इज अबाउट 350,000. देन मूविंग टू डाइपटेरा. डाइपटेरा इंक्लूड्स अवर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. तो फ्लाइंग विंग्स इन एनिमल्स में होंगे विच आर ट्रांसपेरेंट. और हाइंड विंग्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड टू फॉर्म बैलेंसिंग ऑर्गन्स जिसका नाम है हॉल्टर्स, राइट. एंड दे कंटेन्स सकिंग पियर्सिंग और लैपिंग टाइप ऑफ द माउथ पार्ट्स अगेन अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स. एंड दे ऑल्सो शो कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. द नंबर ऑफ द स्पीशीज इज 120,000. The next order is Lepidoptera. Lepidoptera contains beautiful species in the form of butterfly and moths too. Butterflies, as we can see, they are having two pairs of broad, scaly flying wings, and they are often brightly colored. And they are having hairy body, and they contain tube-like sucking mouth parts, and they also show complete metamorphosis. The number of the species is about 120,000. Then the next order, that is the Hymenoptera. Hymenoptera contains bees, wasps, and ants, and here we can see two pairs of transparent flying wings, a mobile head, and very well developed compound eyes. They possess stingers also, and they are having chewing and sucking type of the mouth part. And among all these animals, the Hymenopteras are known to have the social criteria. So these are very social animals. They show complete metamorphosis, and the number of the species is about 1 lakh. Then come Hymenoptera and Homoptera. Hymenoptera and Homoptera contain true bugs, bed bugs, leaf offers, aphids, and cicadas. And they are having the piercing and sucking type of the mouth parts with some draw blood, some feed on animals, and they are having simple metamorphosis. Then the Orthoptera. The Orthoptera contains grasshoppers, and they are the biting and chewing types of mouth part. Some species might be wingless or may have two pair of wings also. And these are the largest, the size of the insect is quite larger in these orders, in this order, that is the Orthoptera. And they their legs are modified for purpose of jumping also. So they also show simple metamorphosis, the gradual type of the metamorphosis. The number of the species 20,000. Then comes Odonata. Odonata contains dragonfly, where the two pairs of transparent wings are present that cannot fold back, right. They have large, long and cylinder body and chewing type of the mouth part. The number of the species is about 5,000. Then come Isoptera, which contains termites. They also contain two pairs of wings, but at some stages of life cycle they can shed off their wings and they are having they can become wingless. They are having chewing type of the mouth part. They are again social behavior. They show proper labor of division, and they also show complete metamorphosis. The number of the species is 2,000. Then comes the Siphonoptera. Siphonoptera contains fleas, which are wingless, flattened body structures with jumping legs, piercing and sucking type of the mouth parts, or they are known for irritating bites, right. And the number of the species is quite less. Here you can see the gifts of various insect species. The gif number one is showing the biting behavior of a mosquito. See such a long
needle like structure which is paused inside the body whenever it bites the host. And here you can see the long labellum, which is modified into a spoon like structure, a tongue like structure rather. And here you can see a mantis tearing and grinding a particle, food particle rather. So these all are the showing a great variation in terms of their mouth parts associated with their feeding habits. There is one more category, that is the metamorphosis. Here is the difference between the complete and incomplete metamorphosis. In the complete metamorphosis, when the egg is laid, it is converted into the larval stages, then it enters into the pupal stage, and finally an adult gets emerged out of it. But while in case of the incomplete metamorphosis, the egg, once it hatches, it leads into a larval stage which is known as nymph, and that nymph is quite smaller in size. It develops, it matures, and undergoes further development in order to form an adult species. In the complete metamorphosis, the adult is typically different from that of a larval stage, but here you can see the larval stage is exactly looking similar to that of adult species, but the difference lies in the size, shape, and structure of the body. एक बहुत ही वेरिएशन है उन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, इसीलिए हमने शुरू में ही कहा था कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिन्हें हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का नाम देते हैं और कुछ जो है हम हार्मफुल इंसेक्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं. तो हनी एक बहुत ही बड़ा सोर्स है हमारे फूड का, जो कि इंसेक्ट्स से प्रोड्यूस किया जाता है. वही हनी बीज जो हैं वो बी वैक्स बनाती हैं. लैक इंसेक्ट्स जो हैं वो लैक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत सारी ऑर्नामेंटल चीज़ें, बहुत सारी ज्वेलरी, उन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है. और इंसेक्ट्स जो हैं इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं. और अगेन वी आर सीइंग अ ग्रेट वैरायटी इन द इफेक्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स टू. इसलिए हम इंसेक्ट्स को भी डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, कि सम ऑफ द इंसेक्ट्स आर द प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स, राइट, जो कि हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिल्क, इन द फॉर्म ऑफ हनी, इन द फॉर्म ऑफ बी वैक्स. फिर वी आर हैविंग इंसेक्ट्स विच आर स्क्वेंजर्स. स्क्वेंजर्स आर द इंसेक्ट्स विच आर द वेरियस क्वान्टिटीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड वेजिटेबल मटीरियल्स विच आर कंज्यूम्ड बाय देम. और इसमें एग्जाम्पल्स हमारी सिल्वर फिश, टर्माइट्स, डंग बीटल्स, कॉकरोचेस, इन सभी इंसेक्ट्स की आती हैं. प्रेडेटर इंसेक्ट्स जो हैं वो दीज आर द इंसेक्ट्स विच आर प्रेडेशियस इन नेचर एंड आर वेरी यूजफुल टू प्लांट्स, बिकॉज दे किल दोज इंसेक्ट्स विच आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. सो लेडीबग बीटल्स जो हैं दे डेवोर एग्स ऑफ स्केल इंसेक्ट्स एंड प्लांट लाइसेस. इंसेक्ट्स आर एक्सेलेंट पॉलिनेटर्स. और द स्टडीज शो दैट अबाउट 80% ऑफ द पॉलिनेशन इज़ बीइंग कैरिड आउट बाय द इंसेक्ट्स ओनली. सो इसीलिए इंसेक्ट्स जो हैं इनका जो एग्जिस्टेंस है हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू पॉलिनेट आर क्रॉप्स. बहुत सारे इंसेक्ट्स को वी कैन यूज़ एज फूड, सच एज इंसेक्ट्स जो हैं बहुत सारे एनिमल्स का फूड है, ये फूड सोर्स का काम करते हैं, जैसे फिशेस, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, श्रूज, स्लॉट्स एक्सेट्रा. इंसेक्ट्स का इस्तेमाल डेकोरेशन के लिए भी किया जाता है. येस, बहुत सारी जगह हैं जैसे जापान में क्रिकेट्स और सिकाडास को बर्ड्स की तरह केजेस में रखा जाता है. और कई इंसेक्ट्स की कैटेगरी ऐसी हैं जिन्हें हम सिंगिंग इंसेक्ट्स का भी नाम देते हैं, राइट. और इंसेक्ट्स का दे आर यूजफुल इन द मेडिसिनल वर्ल्ड ऑल्सो, एंड देर इज प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लिस्टर बीटल्स, और उस प्रोडक्ट का नाम है कैंथ्रेडीन. देर इज़ अनदर प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्मिक एसिड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रेड एंट्स. और पुराने ज़माने में जो एंट्स होती थी उनका इस्तेमाल किया जाता था फॉर स्टिचिंग द स्किन बाय देयर मैंडिबल्स. दीज आर अ लिस्ट ऑफ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. कि ड्रैगन फ्लाइज की अगर हम बात करें तो वो धरती पर 300 मिलियन साल पहले भी थी. एंड द फ्रूट फ्लाइज वर द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर्स टू बी सेंट इनटू द स्पेस.
caterpillars are having 12 eyes. A honeybee colony can produce around 100 kg of honey every year. That actually makes up 220 jars. Grasshoppers के पास special organs हैं जो उनकी hind leg में पाए जा रहे हैं, which are actually storing energy for jumping. एक lady bird beetle जो है अपनी पूरी lifetime में कम से कम भी 5000 insects को खा सकती है. और एक देर इज अनदर कैटेगरी दैट इज़ द मेल जिराफ वीवल्स, और ये अपनी लॉन्ग नेक का इस्तेमाल करते हैं टू फाइट विद ईच अदर, इसीलिए इस बीटल का नाम ही जिराफ वीवल्स है. और एक बी का विंग जो है वो 190 टाइम्स अ सेकंड बीट करता है, राइट, और जो कि 11,400 टाइम्स इन अ मिनट बनता है. और एज डिस्कस अर्लियर, कोलियोपटेराज आर द मोस्ट बायोडाइवर्स ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स नोन इन द क्लास इंसेक्टा. सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो. इफ़ यू हैव एनी यू नो एनी सजेशन, एनी क्यूरीज, प्लीज़ पोस्ट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.